सिंध में एक दिन में सबसे ज्यादा 8 हलाकतें हुई, जहां बहक अपराध की तादाद 100 तक पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 404 लोग वायरस का शिकार हुए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वीडियो बयान, कहा कोरोना टेस्ट के लिए सूबे में मजीद 2 लैब्स कायम कर रहे हैं। ताजरों की आसानी के लिए कुछ दुकानें ऑनलाइन कारोबार के लिए खोल दी हैं। चार सौ चार लोग मजीद इन्फेक्ट हुए हैं, यानी जो हमने 3,729 टेस्ट किए हैं उसमें 404 पॉजिटिव आए हैं। पिछले 24 घंटों में 8 अफराद अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस वबा से। इस तरीके से टोटल तादाद जो लोग वफात पा चुके हैं, 26 अप्रैल या पहली डेथ हमारे पास सुबह से में 19 मार्च को हुई थी, उससे आज तक उनकी टोटल तादाद 100 हो गई। 505 लोग जो हैं कराची एयरपोर्ट पे जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी हैं, उन 505 के सैंपल लिए गए, उनमें से 69 पॉजिटिव हैं। हम मजीद 2 लैब्स अपनी तैयार कर लेंगे, एक लाड़काना शहर में और जो कराची में एक लैब है कराची यूनिवर्सिटी में, उसकी तादाद भी टेस्टिंग की ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन डाल के और मजीद कर सकेंगे। रमज़ान शरीफ का महीना है, लोग कुछ हमने कारोबार इंडस्ट्रीज खोल दिए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग खोल दी है, लोग बाहर निकल रहे हैं। सबसे ये दरख्वास्त है कि सारी एहतियाती तदाबीर